गाइस, ये फोटो एडिटिंग मैंने कैसे करी, यहाँ पर आपको मैं एक आसान सा ओवरव्यू देने वाला हूँ। तो सबसे पहले खुद के ऊपर थोड़ा सा मैंने डार्क कलर से शेड बना दिया, फिर स्किन को स्मूथ करके बैकग्राउंड को कर दिया था रिमूव। एंड ये तीनों चीजें ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर करी। तो इसके बाद पिक्सआर्ट ऐप का यूज करके नई बैकग्राउंड के ऊपर खुद को लगाया शैडोज। पिक्सआर्ट के अंदर जो स्टिकर्स होते हैं ना, उसी में से एक टेबल को लाकर भी नीचे लगा दिया। एक विंडो की फोटो थी खिड़की की, तो उसको भी लाकर ला दिया। उसका ब्लेंडिंग मोड को चेंज करा एंड और भी छोटी बड़ी चीजें करी, शैडोज को और बढ़िया सा इम्प्रूव करा। एंड फिर यहां से फोटो को लेकर चला गया लाइट रूम ऐप के अंदर। यहां पर कुछ लाइट की, कलर्स की एडजस्टमेंट, थोड़ी बहुत क्रॉपिंग भी, तो ये सब कुछ यहां पर कर दिया था। एंड फिर स्नैपसीड ऐप के अंदर कुछ टूल्स का यूज करके फोटो को मैंने रेडी कर दिया था। एंड जब उसको इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड करा, तो फोटो के अंदर आप देख भी सकते हैं, ये वाली जो मेरी फोटो थी जो मैंने अपलोड करी थी, तो इसके अंदर गड़बड़ रह गई थी। जो मेरा हाथ वैसे लग रहा है कि मैं जैसे इंस्ट्रूमेंट के बीच में से निकल के आ रहा है। तो मुझे कमेंट भी आया था एंड मैसेज भी आया था इनबॉक्स के अंदर भी। तो फिर मैं फोटो को दोबारा से मैंने एडिट करा, सारी शुरू से दोबारा एडिटिंग नहीं, वही वाली फोटो को पिक्सआर्ट के अंदर लेकर चला गया। एंड वहां पर मैंने अपनी गलतियों को सुधारा एंड फिर स्टिकर्स पर जाकर आगे फेदर्स भी लगा दिए। एंड फिर जब इंस्टाग्राम पे अपलोड करी, दोनों बारी, पहले भी जब करी थी इस बारी भी, तो जूनो नाम का एक फिल्टर होता है उसका यूज करा थोड़ा सा। एंड इस तरीके से मेरी फोटो यहां से यहां तक पहुंच गई। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो डिटेल में देखनी है, थोड़ी लंबी वाली वीडियो, बड़ी वाली वीडियो देखनी है, क्योंकि यहां पर तो मैंने ओवरव्यू बताया, तो डिटेल वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा एंड पहले कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा। तो जिसको छोटी वीडियो देखनी है उसके लिए भी वीडियो है, एंड जिसको लंबी वाली डिटेल वाली वीडियो देखनी है उसके लिए भी वीडियो है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड अगर आपको इस वीडियो में से कुछ अच्छा नया देखने को सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।